राणा जी की ड्यूटी लगाई है कि 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में जाओ और वहाँ पे जाते हैं बच्चे डिस्ट्रीब्यूट करो, लोगों से मिलो। तो आज हम जब जहाँ से निकले तो हमारे सबसे पहले हमें लोग जहाँ पे मिले पवन जी के ऑफिस थे, लोगों ने हमें काफ़ी दिखा। दो मिनट जब ये भी बोल रहे थे कि जब आप घर में रहते तब BPL के राशन कार्ड बने, पेंशनें लगी, आधार कार्ड बने, IMI के मकान बने, लेकिन 2002 के बाद ऐसी हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली है तो हमें परेशान है। उसके बाद जब हम इंटर मिलों में गए तो सब लोगों ने सुना कि फार्मर बनाने भी आ रहा, तो लोग सड़कों पर आ रहे, वहाँ पर झीला भी जा रहे, काफ़ी लोग थे। उन्होंने भी इसी तरह कहा कि बिजली और पानी की इतनी दिक्कत है कि हम परेशान हैं कि हमारी जो फसल है कैसी होगी, क्योंकि नहरों में पानी नहीं आ रहा, बिजली आ नहीं रही, तो गमले वगैरह चल नहीं रहे, तो इसलिए वो लोग परेशान थे। वहाँ हमारी वो मूल गांव है, वहाँ काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई है, वहाँ पे मनोहर लाल सैनी के घर में वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने जहाँ तक कह दिया कि हम तो बड़े परेशान हैं, नहर में पानी नहीं है, मुझे कह रहे थे कि हमारा, हमें इस बात का बड़ा तवक्को नहीं है कि हमारा फसल होगा, जब पानी होगा नहीं तो हमारी फसल कैसी होगी, बिजली नहीं है। तो इसी तरह से हमने ये टूर किया। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे टाइम में RSPura के हॉस्पिटल जो हमने इम्प्रूवमेंट करी, उसको अच्छी डेवलपमेंट करी, लेकिन आज उस हॉस्पिटल को देखें तो बहुत बड़ी बुरी हालत है। हमने सब डिवीज़न RSPura में बनाया, जो लोग स्टेट्स तक बनाने के लिए जम्मू सालों साल चक्कर लगाते थे, लेकिन आज इनको काफ़ी जो परेशानियाँ जो थी उस समय, आज वो परेशानी हल हो गई है। लेकिन मैं इस बात का जो पूरा मैं वायदा करती हूँ कि अगर मुझे फिर दोबारा सेवा करने का मौका मिला तो जैसे मैंने सब डिवीज़न बनाया था, कॉलेज बनाया था, उसी तरह से मैं RSPura में आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जब भी इलेक्शन वगैरह हो तो सोच समझ के फैसला करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर लहर में जो बह जाते हैं, लेकिन लहर तो लहर ही होती है, तो परमानेंट चीज़ें नहीं होती है। आज लोग बड़े परेशान हैं, इसलिए मैं समझती हूँ कि लोगों को सोच समझ के फैसला करना चाहिए। अब 2019 तक इलेक्शन आ रहा है, तो इस जो कंडीशन इस वक्त है सड़कों की, गलियों की, क्योंकि हम लोग तो चलते हैं अपनी धारा में बैठते हैं, लेकिन लोग बेस्ट जानते हैं, यही फैसला करते हैं, यही लोग आगे बताते हैं कि कैसा है MLA, इसलिए लोग जो है आज हमारे पास AICC मेंबर और एक्स मिनिस्टर सुमन भगत जी और हमारे पूरी ब्लॉक की टीम और मेरे साथी, हमने पूरी RSPura कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा किया। यहाँ से शुरू होते ही खानिया, बीजनगर, कश्मीरी बस्ती, मीरासा और स्लैड, उनका हर जगह गए हम, और वहाँ लोगों ने, लोग काफ़ी संख्या में लोग हमसे मिले और लोगों ने हमें बताया कि हम BJP और PDP का जो शासन था इससे वो लोग खुश नहीं हैं और लोगों के ही नाकाम हुए। ये सरकार टोटल फेलियर थी, इस सरकार ने सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को लड़ाने का ही काम किया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और लोगों में बड़ा रोष है। तो हमने लोगों को विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में आप कांग्रेस पार्टी का साथ दें, कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, और जो भी आपके काम रहे हैं, लोगों ने एक डिमांड रखी कि कांग्रेस की मेहरबानी से ही हमें सब डिस्ट्रिक्ट मिला, उसमें मैडम सुमन भगत उस वक्त मिनिस्टर थी, इनका भी अच्छा रोल था अयाज साहब की क़यादत में। तो हमने लोगों को यकीन दिलाया कि अगर आप इन लोगों से तंग आए हैं, रूलिंग जो पार्टी थी, रूलिंग पार्टी में BJP या PDP, आपने इनको मौका दिया, आपकी उम्मीदों में ये खरा नहीं उतरे, आने वाले समय में आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएं। रियासत में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से लोग इन लोगों से तंग हैं, तो पहले तो हम इसके साथ गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि वो असम्बली भंग करें, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, और हमें पूरा यकीन है पूरे जम्मू कश्मीर रियासत में कांग्रेस अपने बलबूते पर सरकार बनेगी, और हमने लोगों को विश्वास दिलाया, यकीन दिलाया, पूरी टीम ने यकीन दिलाया कि हम आपके लिए लड़ेंगे और RSPura, शेरगढ़, कृष्णापुर मिला के यहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे।
कुछ।